Hello guys, welcome back to my channel. This is Akash Vimal. How you guys doing? I am back with another video. मैं काफी time से plan कर रहा था ये video बनाने के लिए, but somehow I was not able to do that. So finally I am here with this video. ये video बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि India में I can see nowadays जो Persian cats का trend है, जो Persian cats रखने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. और इसका मेन रीजंस दो हैं, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उनकी और दूसरी चीज़ प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया है. यू कैन वील डिस्कस एवरीथिंग इनकी हिस्ट्री से लेकर क्या इनका भी स्टेटस है, क्या कैसे आप इन्हें पाल सकते हैं, सब कुछ हम डीपली जानेंगे. सो लेट्स गो. आप इसको जानते ही होंगे, ये मेरा सबसे छोटा लड़का है मेरे घर में. ही इज़ द यंगेस्ट मेंबर मेरे शुगर ग्लाइडर्स के बच्चे को छोड़ के. ही इज़ माय सिम्बा. ही इज़ ऑलमोस्ट 6 months अराउंड. और ये एक पर्शियन कैट है, ये एक डॉल फेस पर्शियन कैट है. जब हम पर्शियन कैट्स के बारे में बात करते हैं तो लोगों ने उनको सेलेक्टिवली ब्रेड करके दो तरीके का बना दिया है. वन इज़ दिस डॉल फेस एंड द अदर वन इज़ पंच फेस. उनका फेस काफी ज्यादा पंच्ड होता है. सिम्बा क्या हो गया बेटा? एक्चुअली अभी सुबह के 5:30 बजे हैं एंड ही इज बीइंग अ लिटिल ग्रम्पी राइट नाउ. सिम्बा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? सो या यू कैन सी जो पंच फेस होते हैं, जो पंच फेस पर्शियन कैट्स होती हैं, उनका मुंह एक्चुअली में पंच जैसा लगता है. उनका फेस ऐसा डॉल की तरह नहीं होता जैसे प्रॉपरली इनका एक राउंड फेस होता है. और सब जितने भी पर्शियन कैट्स होती हैं उनके सारे दे आर नोन टू हैव द लॉन्गेस्ट हेयर. इनका कोट बहुत ज़्यादा लंबा होता है एज यू कैन सी, स्पेशली देयर टेल. ओके, मैं इसको और परेशान नहीं करना चाहता. इनका बहुत ज़्यादा बड़ा कोट होता है एंड दे लुक वेरी ब्यूटिफुल. आप कोई से भी कलर में ले लीजिए, जैसे कि बहुत सारे कलर्स में आते हैं. दे कम इन वाइट, ग्रे, ब्राउन, एज यू कैन सी गारफील्ड जैसा जैसा सिम्बा है. और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं और काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस में भी दे कम एंड देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स अवेलेबल. बहुत सारे कलर्स आपको मिल सकते हैं. अब तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो सकता है ये. तो अभी हम बात करते हैं ये कहाँ से आए हैं. पर्शियन कैट्स, जैसा कि हमें नाम से पता लगता है, पर्शियन कैट्स ऐसा कहा जाता है कि पर्शिया से लेकर गए थे कुछ, आई गेस कुछ किंग्स थे जो कि इनको लेकर गए थे. उनको एज अ प्रेजेंट ईरान ने दिया था, तो वो उसको लेकर इटली गए थे और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये बिल्लियाँ. और इनकी जितनी भी उसके बाद ब्रीडिंग हुई है बिफोर 16th century, वो सब ईरान में हुई है. और उसके बाद जितनी भी सेलेक्टिवली ब्रेड करके इनको पंच फेस बनाया है और जितने भी कॉम्बिनेशंस निकाले हैं कलर के, वो सब कुछ इटली में हुआ है. अब तो ये नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको मिल सकती हैं. जैसे डॉग शोज होते हैं वैसे ही कैट शोज भी होते हैं. दे आर वेरी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं ये. तो इनको पहले, उससे पहले शिराजी कैट बोला जाता था, शिराजी बिल्लियाँ इनको बोला जाता था. अभी भी बोला जाता है ईरान में, गल्फ में इनको शिराजी ही बोला जाता है. नोन टू बी अ वेरी वेरी प्रेस्टीजियस प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा स्पेशल माना जाता था इनको. कोई जो प्रिंस होता था ये उसके पास रहते थे. बहुत ज़्यादा पवित्र वाली नज़रों से इनको देखा जाता था. और अगर आप इस बिल्ली का नेचुरल वे में भी इसका बिहेवियर देखेंगे तो वो भी एकदम ऐसे रॉयल जैसा रहेगा. ये कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं, एज इन बहुत गलत तरीके से नहीं करेंगे, एकदम रॉयल तरीके से परेशान करेंगे. जैसे सिम्बा है, वेन एवर आई वर्क ऑन माई लैपटॉप ये उठ के आके बैठ जाता है उस पर एकदम रॉयली. दिस इज लाइक दैट. एंड सिम्बा राइट नाउ ही इज ऑल्सो सिटिंग ऑन द चेयर. वो यहाँ से उठ के चेयर पर बैठ गया है जस्ट लाइक अ किंग.
अब हम उनकी डाइट के बारे में बात करते हैं. बिल्लियाँ जो होती हैं वो एज यू गाइस नो वो ओमनिवोरस नहीं होती, वो सेमी कार्निवोरस भी नहीं होती डॉग्स की तरह, वो प्योरली कार्निवोरस होती हैं. तो अगर आपकी बिल्ली को रोटी या सब्जी या चावल खा रही है तो या तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम है या आपकी बिल्ली के दिमाग में प्रॉब्लम है. प्लीज़ डोंट लेट योर कैट ईट एनी ऑफ दोज थिंग्स. अगर स्पेशली आपके पास पर्शियन कैट है तो बिल्कुल भी आप ये चीज़ें मत खिलाइए उन्हें. मैं क्या करता हूँ, बहुत सारा कैट फूड अलग अलग ब्रांड्स का, जैसे रॉयल कैनन, पेडिग्री, ये कोई शाउटआउट नहीं है किसी भी ब्रांड को, जो भी नॉर्मली विस्का, स्टॉप कैट, जितने भी मुझे ब्रांड्स मिलते हैं, ओनली ए ग्रेडेड ब्रांड्स, मैं उनको लेकर आके उनको मिक्स करके मैं इसको चिकन ग्रेवी या फिर फिश ग्रेवी के साथ, जो कि ऑलरेडी पैक्ड आते हैं छोटे छोटे सैशेज, मैं उनको लेकर आता हूँ और उनको मिक्स करके देता हूँ. यही इसकी नॉर्मल डाइट है, इसके अलावा कभी कुछ नहीं देता. अगर इसको हल्का हल्का सा, अगर मैं शुगर ग्लाइडर्स को बॉइल्ड एग दे रहा हूँ या बॉइल्ड चिकन दे रहा हूँ तो मैं इतना सा दे देता हूँ, क्योंकि अभी बॉइल्ड चिकन मैंने इसका शुरू नहीं किया है. आप इनको बोनलेस बॉइल्ड चिकन दे सकते हैं, इट इज़ वेरी गुड फॉर देम. एंड या यू हैव टू ब्रश देम, आप इनको ब्रश करना चाहिए आपको इनको, हर दो दिन में तो एटलीस्ट आपको कर ही देना चाहिए. मेरे यहाँ पर ये बहुत चिल्ड आउट रहता है, एज यू कैन सी मेरे सारे जानवरों के साथ रहता है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं इसका बिहेवियर कैसा है. और जैसा इसका बिहेवियर है ऐसे ही सारे पर्शियन कैट्स का होता है. देयर बिहेवियर इज वेरी वेरी गुड, वेरी डोसाइल, बहुत अच्छे बिहेवियर के होते हैं ये. ये बर्ड्स के साथ भी रह सकते हैं, डॉग्स के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बस प्रॉब्लम होती है तो आप कभी भी दो मेल्स एक साथ नहीं रख सकते. आप 10 फीमेल्स रख सकते हैं विद वन मेल, बट नेवर कीप टू मेल्स टुगेदर, वो लड़ाई कर 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 एक दूसरे को मार देंगे, तो प्लीज डोंट डू दैट. और अभी मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे, आई मीन मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक, जो कि है इंडिया में जो अभी इनका सेल हो रही है. आपको पर्शियन कैट्स मिल सकती हैं 5,000 to 6,000 रुपीज में. प्लीज़ डोंट गो एंड बाय देम. उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है, लोग बहुत गलत तरीके से इनको ब्रीड करते हैं, जैसे पपी मिल्स होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही. मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ इनके प्राइसेस को लेकर और उनकी सेल जो इंडिया में हो रही है उस चीज़ को लेकर. उसमें मैं आपको सब बताऊँगा कि एक हेल्दी पर्शियन कैट आप कैसे देख सकते हैं, और हो सका तो शायद मैं और लोग जो बेच रहे हैं उनके पास भी जाकर आपको फोटोज दिखाऊं या फिर अरेंज करके, वट एवर आई विल सी, बट आई एम डेफिनेटली गोना पोस्ट अ वीडियो. सो या दिस इज इट फॉर द वीडियो. अगर आप पर्शियन कैट लाने की सोच रहे हैं तो इट इज वेरी वेरी गुड टू हैव पर्शियन कैट एट योर होम. अगर आप अडॉप्ट कर सकते हैं तो प्लीज अडॉप्ट कीजिए, कोई स्ट्रे बिल्ली को लाइए और अडॉप्ट कीजिए. पर ध्यान रखिए, अगर आपके पास मेल है तो उसको स्टेरलाइज करवा लीजिएगा, वरना वो अग्रेशन थोड़ा सा आ सकता है उनमें. सो या एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब. अगर आपके पास कोई भी पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है मैं मिस कर गया हूँ, प्लीज राइट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, या फिर अगर आप और कोई भी चीज शेयर करना चाहते हैं वो भी कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं.